खबर गाजीपुर जखना से है, जहां तहसील केंद्र के बाजार में आए दिन विद्युत तार टूटने से दिन भर विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। लोगों को जान का खतरा बना रहता है और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। ज्ञात हुआ कि जखनिया बाजार की जर्जर तारों की वजह से मेन मार्केट में कई बार विद्युत की चपेट में आने से बच चुके हैं। यहां की विद्युत आपूर्ति तारों के भरोसे नहीं, बांस की पलटियों से भरोसे चलती है। जब से यहां विद्युत के तार लगे हैं, तब से आज तक इन तारों को बदला नहीं गया। मेन रोड पर जर्जर तारों की सप्लाई और नीचे लोगों के सर पर मौत मंडराती रहती है। कोई ऐसा दिन नहीं रहता जिस दिन जखनिया बाजार का विद्युत तार न टूटता हो। बाजार के लोग इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से कर चुके हैं। यहां के अधिकारी उच्च अधिकारियों का नाम लेकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। विद्युत उपभोक्ताओं का कहना है कि विद्युत के बिल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो सप्लाई है वह हम लोगों को नहीं मिल रही। सरकार का हम लोगों के साथ कैसा न्याय है? उपकेंद्र पर 20 घंटे बिजली उपलब्ध होने के बाद भी बाजार में बिजली न उपलब्ध हो पाना बहुत ही दुख की बात है और विद्युत कर्मचारियों के उदासीनता का परिणाम है, जिससे लोगों में धीरे धीरे गुस्सा पनप रहा है। इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य सचिन चौरसिया, मनोज गुप्ता, अशोक सिंह, चंदन कुमार, संतोष सोनकार, सुरेंद्र यादव, जवाहर गुप्ता, अनिल जायसवाल सहित प्रमुख आदि लोग उपस्थित रहे।